हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज अ मोबाइल फोन. You see, and it's I'm using the cable here to connect to the Bluetooth speaker, so then we can hear, we can listen to the programs. Actually, हमारी जो candle lighting company है, it's a 51-year-old company. हम लोग specialized lights में ही deal करते हैं. Do you think radio is more important in these generation, like where digital is going on? Do you think the importance of radio is also there? I believe so, because first of all we have a phenomenon that we call the digital divide. तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विद्या लाइव पर एक बार फिर से, और मैं हूँ आपके साथ शिवानी झा. इस वक्त हम प्रगति मैदान में मौजूद हैं और BES जो है यहाँ पर एक्सपो 2024 का एग्जीबिशन है जहाँ पर हम आए हैं कवरेज के लिए. और मैं आपको बता दूं कि ये BES है क्या, ये ब्रॉडकास्ट इंजीनियर सोसाइटी है, यानी जो अलग अलग सोसाइटी है इंजीनियर्स की. तो इंजीनियर्स ने अपनी सोसाइटी बनाई है और जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर ये एग्जीबिशन लगाते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, इनके बारे में नॉलेज गेन करते हैं और जो है प्रोडक्ट किस किस तरह के टेक्नोलॉजी है इनमें इवॉल्व हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई जाती है. और ये हर साल लगता है, जिस तरीके से किताब का मेला लगता है, बुक फेयर लगता है, उसी की तरीके से जो है यहाँ पर ये BES की तरफ से हर साल एग्जीबिशन किया जाता है. और मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस एग्जीबिशन में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टेलीप्रॉम्प्टर हो गए, जिस तरीके से लाइटिंग हो गई, तो जो जो न्यूज चैनल्स में इस्तेमाल की जाती है, अलग अलग तरह की लाइटिंग हो गई और टेलीप्रॉम्प्टर हो गया, लाइव स्ट्रीमिंग के सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर अपना एग्जीबिशन आती है, अलग अलग कंपनियां आती है. और वो सिर्फ आपको बता दूं मैं इंडिया की नहीं, इंडिया के बाहर से भी है, इंडिया में कई स्टेट्स की है, कर्नाटक हो गई, बाहर से हो गई, जर्मनी से हो गई, तो सभी जो है इंजीनियर्स की सोसाइटी है जो आते हैं अपना प्रोडक्ट यहाँ पर विजिबल कराते हैं और एक एग्जीबिशन में लोगों को दिखाते हैं. तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, अभी मैं आपके साथ जुड़ूंगी इस वीडियो में और आगे पूरी इंफॉर्मेशन भी दिखाऊंगी अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करके. तो हमारे साथ बने रहे पूरी वीडियो तक. तो दोस्तों हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पर लोग जो कैनरा लाइटिंग इंडस्ट्रीज के जो है ये प्रोडक्ट लेके आए हैं अपना, और इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है वो हम आप तक पहुंचाएंगे. अगर आप भी आ रहे हैं यहाँ पर इस एग्जीबिशन में तो आप भी जरूर आइएगा. तो सबसे पहले मैं जानकारी लेना चाहूंगी, तो सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है सचिन पवार. सचिन जी आप इसके बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या इन्फॉर्मेटिव ऐसी? एक्चुअली हमारी जो कैंडल लाइटिंग कंपनी है, इट्स अ 51-year-old कंपनी. हम लोग स्पेशलाइज लाइट्स में ही डील करते हैं, जो लाइट्स आपकी स्टूडियोज में, ऑडिटोरियम्स में, फसाद लाइटिंग में यूज होती है. हम जनरल लाइटिंग में, वी आर नॉट इनटू द जनरल लाइटिंग. ठीक है, तो कैमरा लाइटिंग जो है साउथ एशिया की बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्पेशलाइज लाइट्स में. आपके जितने भी न्यूज चैनल आप देखते हैं, रोज जी न्यूज, आस्था, कैन ई टीवी, ये सारे हमारे ही लाइट्स पे वर्क कर रहे हैं. या सो वी हैव अ ह्यूज क्लाइंटल बेस एंड यू कैन से 90-95% न्यूज चैनल्स इन इंडिया वर्किंग विद कैंडल लाइटिंग ओनली. आपकी कंपनी अगर मैं बात करूं, कहां की कंपनी है? इट्स अ कर्नाटक बेस्ड कंपनी, इट्स हैड ऑफिस एंड फैक्ट्रीज इन बैंगलोर कर्नाटक. तो यहां पे हमारा रीजनल ऑफिस है, दैट इज इन सेक्टर 63 नोएडा. जैसा कि आपने बताया चैनल्स में भी आपके लाइट यूज होते हैं, तो क्या इनके कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड चीज जो आपको अच्छी लगी, आप लाइट्स के बारे में बताएंगे कि और लोग भी आए वो भी यूज करें? हाँ, ये लाइट स्पेशलाइज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन लाइट्स की जो प्योरिटी होती है, जिसको हम कलर रेंडरिंग इंडेक्स CRI बोलते हैं, तो जनरल लाइट्स में वो नियर अबाउट 75-80 होता है, बट इन लाइट्स का मोर देन 95% होता है. एंड वी कंसिडर CRI ऑफ द सन एज टू बी 100. तो आप समझ सकते हैं कि सन इज द प्योरेस्ट लाइट इन द वर्ल्ड. तो अगर उसका 100 है तो हम आपको 96-97% क्लैरिटी, मतलब प्योरिटी ऑफ द लाइट दे रहे हैं इन लाइट्स के थ्रू. दैट इज व्हाई दीज लाइट्स आर कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड लाइट्स. सर मैं आपसे थोड़ी सी बोलूंगी, अगर ये प्रैक्टिकली आप चीजें लाइट्स का आप बता दें अगर हमारे कैमरे पे, तो यहाँ पर स्टूडियो से रिलेटेड ही लाइट्स हैं. तो जी इसमें ये जितने आपको पैनल्स की तरह दिख रहे हैं, इनको हम फ्लड लाइट्स बोलते हैं. और जो आपको वो दिखला सिलेंड्रिकल जो लाइट्स दिख रही है वो फ्रेशन लाइट्स होती हैं. तो फ्रेशन लाइट्स है बेसिकली स्पॉट लाइट होती हैं, जो कोई भी गेस्ट विजिटर्स होते हैं जो आपके स्टूडियोज में बैठते हैं, तो उनके लिए जो लाइट फोकस वाली लाइट्स यूज होती हैं वो फ्रेशन होती है. और उस ये उसको बाकी इल्यूमिनेट करने के लिए हम फ्लड लाइट्स का यूज करते हैं. तो ये इसमें बहुत सारी वोल्टेजेस, बहुत सारे ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं, डिफरेंट कोई 25-25 डिग्री का हो गया, कोई 90 डिग्री का हो गया. तो डिपेंडिंग अपॉन द वॉटेज, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्टिक्स,
डिफरेंट टाइप्स का लाइट डिजाइन होता है। हर साल ही BSX में पार्टिसिपेट करते हैं और बट अभी डाउन द लाइन थोड़ा सा फुटफॉल कम है हर साल के कंपैरिजन इस बार, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ब्रॉडकास्टिंग के लिए, बट जो एक्सपेक्टेड फुटफॉल है वो अभी यहाँ अचीव नहीं हो रहा है। रीजन ऐसा लग रीजन मे बी वन ऑफ द रीजन जो मैं फाइंड कर रहा हूँ रिगार्डिंग दी अवेयरनेस, कुछ ऐसा मार्केटिंग नहीं हो रहा है, कोई मतलब एक कंडक्ट हो रहा है बट मार्केट में इसका न्यूज नहीं जा रहा है, सो दैट इज वाई पीपल अवेयर नहीं है। जितना हम कंपनीज लेवल पे मतलब मेल्स वगैरह भेज रहे हैं दैट इज द वन सब्जेक्ट, बट एक्सपो की तरफ से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आई थिंक दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू मार्केट दिस एग्जीबिशन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ एक और सर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका प्रोडक्ट है और उसका नाम भी ऊपर आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, तो इनके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे कि इनका प्रोडक्ट क्या है, क्या यूजेस हैं और क्या स्पेशलाइज्ड ऐसी चीजें हैं जो ये बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश गुप्ता है, हम लामा सैटेलाइट सैटेलाइट से हैं और हम लोग बेसिकली टेलीपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसके अलावा हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली ये जितने टीवी चैनल्स हैं वो लोग यूज करते हैं, जो फील्ड से जो भी आप कैप्चर करते हैं उसको लाइव स्ट्रीम करने के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इसके थ्रू आप जो भी आप फील्ड से बना रहे हैं चीजें कैमरे से कैप्चर कर रहे हैं इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे लाइव कर सकते हैं। एक साथ अगर हम चाहें तो सभी सोशल मीडिया पे लाइव, सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट पे टीवी चैनल पे जहां पर भी आप लाइव करना चाहें वो लाइव हो सकता है। तो इसके बारे में क्या ऐसी स्पेशल चीज है जो ज्यादा आपको लग रहा है कि यूज करनी चाहिए? ये टेक्नोलॉजी है, सिम बेस्ड है, इस पर मोबाइल की सिम्स लगते हैं, सो इसके लिए आपको सिर्फ अलग से इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, ये सिम ही है। मोबाइल की सिम को ये क्या करती है, डेटा को एग्रीगेट करती है और स्ट्रीम कर देती है पूरा का पूरा हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन में करना है, 4K में करना है, किसी भी क्वालिटी में करना है, ये आपको सिम कर देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसमें हमें नेट की ऐसा कुछ वाई फाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये सिम का है काम जो आपको अलग से कोई चीज नहीं, 4G या 5G की आप सब लगाइए उसी से अच्छे बन जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप अभी जो ये हर साल लगता है आपका फेयर एग्जीबिशन का, तो क्या इससे आप लोगों को कोई वैल्यू मतलब एक तरह से बात करें इम्पोर्टेंस कुछ ऐसा होता है? डेफिनेटली होता है, हर एग्जीबिशन में फायदा ये होता है कि कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं, उनको नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, हम लोग उनसे कनेक्ट होते हैं, सो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी लोग मिल पाते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस कैसे आप देखते हैं, डिफाइन करेंगे? इंडस्ट्री की भी इम्पोर्टेंस है, कलेक्ट करने के लिए भी इम्पोर्टेंस है, कस्टमर से कलेक्ट करना, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को करना, डेमो करना उस पर। इस साल आपको कुछ चेंजेस ऐसे है, कुछ लगा है इसके जो प्रोडक्ट के लिए आप आते हैं? एज यूजुअल है। यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जैसे आपने अभी ये दिखाया है तो इससे पहले अपडेटेड कुछ इसमें आ जाए सिस्टम में आपके कुछ चीजें अपडेट आप दिखा रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ होता है हर साल या फिर सेम चीज? नहीं नहीं, हर साल नई चीज आती है, हर साल नया अपडेट होता है, नए प्रोडक्ट अपडेट होते हैं, नई चीजें होती हैं डेफिनेटली। साल आपका मतलब ये स्ट्रीमिंग का है कि स्ट्रीमिंग सॉल्यूशंस? यहाँ पर जो है आपके न्यूज चैनल आपने कहा यूज करते हैं, तो कितने न्यूज चैनल्स हुए हैं अभी तक इंडिया में? जितने सारे न्यूज चैनल हैं सभी लोग इसको यूज करते हैं, ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है जहाँ पर ये आपको नहीं मिलेगा। तो आगे इसकी इम्पोर्टेंस हम समझ सकते हैं, आगे टेक्नोलॉजी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से खेल रहे हैं हर कोई, तो ये आगे काफी अभी भी काफी यूज होता है। 90% केसेस में आप देखेंगे पहले DSLR इस तरह की यूज होती थी, आजकल यही सारा का सारा यूज होता है। मतलब ये छोटा भी हो गया, पोर्टेबल भी हो गया? पोर्टेबल है, पूरा का पूरा सिस्टम बैक के साथ आता है, लोग कैमरा लगाया पीछे बैक में यूज करके इसको यूज करते हैं। ये आपने ये मॉडल क्यों लगाया है, क्या इसका मैं जान सकते? ये भी DSLR है, लाइव टेलीकास्ट के लिए काम आते हैं, ये हमने DSLR1 बना के दूरदर्शन को दिया हुआ है, तो उसका एक डमी हमने यहाँ शोकेस करके लगाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ एक और प्रोडक्ट है यहाँ पर और उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सर, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज योहान एस फ्रॉम बासनव। एंड सर व्हाट्स वेयर्स फ्रॉम? आई एम फ्रॉम जर्मनी एंड आई रिप्रेजेंट द कंपनी स्टार वेव्स। ओके, तो कुड यू टेल मी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट्स व्हिच यू आर सेलिंग हियर? Okay, first of all, this is the booth of the DIM consortium, and I'm one of the members. And I'm showing DIM radios. And the world novelty that we have here is a radio that is built in the mobile phone. So this is a mobile phone, you see, and it I'm using the cable here to connect to the Bluetooth speaker. So then we can listen to the programs. And this is the first digital DIM radio inside a mobile phone that we are showing here very proudly. Okay, so could you tell me more importance of this feature in phone and Bluetooth, which you told me right now?
Okay, so you know, India is digital, and India has a digital radio, which is called Digital Radio Mondial. It's the Indian standard for digital radio. And people also like to listen to radio on their mobile phones. So at the moment, if you have a mobile phone, you can only listen to FM radio. But as you know, FM radio has no news, because news is owned by All India Radio. And with DRM, you can listen to the All India Radio news. And also, as you can see here, we also have digital information that you can read. And this doesn't need information extra that you add on. It comes here and it comes over the radio, so it is not connected to the internet. It doesn't need any internet connection. So if you are someone that lives somewhere in a rural area that doesn't have any internet connection, still have access to this information and can listen to digital radio. So one question which I want to ask you: do you think radio is more important in these generation, like where digital is going on? Do you think the importance of radio is also there? I believe so, because first of all, we have a phenomenon that they call the digital divide. You know, people that are connected to the internet, they have access to information, and those who don't have access, they are falling more and more behind. So radio is a medium that can bridge the digital divide and can actually empower those people that are even in rural areas that are not yet connected. And specifically with the digital radio, because it contains not only audio, but it also contains, you can read news, you can read information about stock exchange. The farmers can get very important information when they have to bring in their crops from the weather report, and so on and so on. थैंक यू सर सो मच. यू टोल्ड मी वेरी ग्रेट इन्फॉर्मेशन. तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर रेडियो जो है आप ऑफलाइन भी सुन सकते हैं, आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. और जैसा कि इन्होंने ये ब्लूटूथ का दिखाया, फोन से डायरेक्ट कनेक्ट है ये एफएम का. और साथ ही एक और चीज एड ऑन किया इन्होंने इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, कि आप जो है ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं, एड ऑन है, वो भी आप रीड कर सकते हैं. तो ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है और आप लोगों के लिए भी काफी यूजफुल है. तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन बताया.